नमस्ते किसान साथियों, किसान साथियों राज पटेल पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों यहाँ पर हम देखिए तरबूज की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये मल्चिंग लगाया है और मल्चिंग वो भी हाथ से लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हम हाथ द्वारा मतलब जहाँ पे आपको अगर समस्या आ रही हो कि अपने पास मशीन नहीं है जो ट्रैक्टर से चढ़ाते हैं मल्चिंग, वह सिस्टम आपके गाँव में अगर नहीं हो तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। किसान साथियों यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार हाथ से मल्चिंग चढ़ाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे हम तरबूज की तैयारी कर रहे हैं और ये इस प्रकार से यहाँ पे हाथ से मल्चिंग चढ़ाई जाएगी। ये देखिए किसान साथियों अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो किसान साथियों ये यहाँ पे इस प्रकार से देखिए एक डंडा लिया हुआ है, ये मल्चिंग के इस पाइप में लगा दिया है। ये देखिए ये इस प्रकार से ये और इस पे एक रस्सी से बांध दिया गया है। ये अब देखिए यहाँ पे आप किस प्रकार से मल्चिंग लगाई जाएगी। अगर आपके पास अगर आपके गांव में ट्रैक्टर द्वारा मल्चिंग चढ़ाने का सिस्टम नहीं हो तो इस प्रकार से आप अपन स्वयं भी मल्चिंग लगा सकते हैं। ज़्यादा परेशानी होने की दिक्कत मतलब बात नहीं है कि ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर से जो मल्चिंग चढ़ाने की मशीन है वो नहीं है अपने पास। तो आप इस प्रकार ये देखिए इस प्रकार भी आप मल्चिंग चढ़ा सकते हो हाथ से। ये देखिए बस ये इस प्रकार से हाथ से मल्चिंग चढ़ाई जाती है। ये देखिए ऐसे पहले थोड़ा सा बिछा दीजिए ये बस। ये मतलब 20 फीट करीब लंबा बिछाने के बाद में थोड़ा सा तंग किया जाएगा। ये थोड़ा सा तंग कर लिया। अब ये देखिए यहाँ से मिट्टी डाली जाएगी साइड में पावड़े से। ये बस इस प्रकार हाथ से मल्चिंग चढ़ाई जाती है। अगर आपके गांव में मल्चिंग चढ़ाने का सिस्टम नहीं है जो ट्रैक्टर द्वारा चढ़ाई जाती है, वो मशीन नहीं है अगर, तो आप इस प्रकार से मल्चिंग चढ़ा सकते हो हाथ से। ये देखिए और यहाँ पे किसान साथियों हम तरबूज लगाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमने बेसल डोज डाला है ये देखिए मैंने बेसल डोज क्या क्या लिया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसान साथियों यहाँ पे हम तरबूज लगा रहे हैं, ये करीब करीब 2.5 एकड़ का खेत है और यहाँ पे ये काली छड़ लगाया है। ये इसमें क्या है कि थोड़ा खर्चा कम बैठता है इस पाइप में, ये काली छड़ जो लगाया है इसमें खर्चा कम बैठता है। इसी के अंदर ये छेद करके ये और ड्रिप लगाई गई है ताकि ये सालों साल तक ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पर हमने बेसल डोज लिया है, ये गिरनार का सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें बोरान वगैरह सब करीब करीब सल्फर मिक्स है। और यहाँ पे लिया है फिर पोटास ये, और उसके बाद में ये 11 मिला कॉम्प्लेक्स, ये कीड़े 11 मिला की 11 मिला कॉम्प्लेक्स है जो कि 12-11-18 एनपीके 12-11-18 है। उसके बाद में हमने लिया है एक डीएपी मतलब 2 डीएपी, तो 2 डीएपी, 5 सुपर फास्फेट सिंगल सुपर फास्फेट और 1 पोटाश और 2 11 मिला कीडीए 50 किलो मतलब 25-25 किलो की 2 बैग 11 मिला के। ये मतलब करीब अपन ने ये 2.5 एकड़ का डोज पूरा लिया है, 2 11 मिला कॉम्प्लेक्स, 2 डीएपी और 1 पोटाश और 5 सिंगल सुपर फास्फेट, इनका मिक्स करके बेड पे डाल दिया। उसके बाद में मल्चिंग लगा दिए, उसके बाद में छेद करके यहाँ पे तरबूज लगा देंगे। और आगे हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं तरबूज की खेती की पूरी जानकारी आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। जय जवान जय किसान।